हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं सर दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँ यहाँ पे ये NX ऑडियो का माइक्रोफोन। ओवरऑल दोस्तों कैसी रहने वाली है इसकी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस कैसा है, UHF 200 है। इससे पहले मैंने आपको इसे छोटा भाई भी दिखाया था जो कि छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे आज मैं बड़ा लेके आया हूँ। बड़ा काम करेगा, बड़ी रेंज है इसकी, यानी ज़्यादा रेंज के साथ में ज़्यादा क्वालिटी भी आपको मिलने वाला है। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ओवरऑल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे NX ऑडियो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। UHF 200 जो है वो इसका मॉडल नंबर रखा गया है। यहाँ पे भी UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की कैटेगरी में आता है ये माइक्रोफोन। इस वाले सेट में आपको यहाँ पे दो आपको हैंड माइक्रोफोन्स मिलते हैं और एक ये रिसीवर मिल जाता है। बाकी इसकी जो एक्सेसरीज होती है लाइक इसका अडेप्टर एंड आउटपुट केबल, वो भी इसके अंदर आपको मिलती है। ओवरऑल वहाँ पे कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं, साइड में आपको कुछ और डिटेल्स नहीं मिलेगी। NX ऑडियो की सिंपल ब्रांडिंग है, बैक साइड भी सिंपल यही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसके कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड यहाँ पे प्राइस भी मेंशन करा गया है। एग्जैक्टली प्राइस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो मेंशन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे फटाफट से चलिए इसको अनबॉक्स हम कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अनबॉक्स हम कर लेते हैं। यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो है वो बॉक्स पैकिंग खुलती है और इसको ऊपर करेंगे। बाकी यहाँ पे सेफ्टी जो है वो अच्छी खासी दी गई है। अगर आपके पास फ्लाइट केस ना हो तो यहाँ पे आपका इसमें ही काम चल जाएगा। इसमें मिल जाती है आपको ऑपरेटिंग मैनुअल, जिसमें काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें जो है मेंशन करी गई है, लाइक हाथ में आपको माइक्रोफोन को कैसे पकड़ना है, कितने मीटर पे आपको जो है वो रिसीवर को ऊपर तक रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेंशन करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम जो है वो बनाए गए हैं किस प्रकार से जो है वो आपको पकड़ के रखना है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो है वो 1 ईयर वारंटी के साथ में भी आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे आपके पास ये एक अडेप्टर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अडेप्टर आपको देखने को मिलता है जो कि 3-पिन प्लग के साथ में आता है, तो ईजिली जो है वो आप प्लग कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास ये TS-TS मिक्स आउटपुट के लिए आपको एक केबल मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास ये दो माइक्रोफोन्स हो जाते हैं, ए और बी, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे हमारा ये रिसीवर हो जाता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रिसीवर को हाथ में पकड़ने के साथ ही ना मतलब ऐसा जैसे रफ एंड टफ वाली चीज़ का फील आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी सा, यानी एक तरह कह सकते हैं कि मजबूत सा डिज़ाइन बनाया गया है। NX ऑडियो की यहाँ पे ब्रांडिंग है, चलिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम जान लेते हैं हमारे माइक्रोफोन और रिसीवर में क्या क्या डिटेल्स मिल जाती हैं। चलिए सबसे पहले हमारे रिसीवर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NX ऑडियो की जो है वो आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। क्रॉस सा साइन बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो रफ एंड टाइप वाला डिज़ाइन है। सामने अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास NX ऑडियो अगेन है, UHF 200 जो है वो मेंशन करा गया है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इसका फुल फॉर्म ये होता है। चैनल 1 चैनल 2 के लिए अलग अलग वॉल्यूम नोब्स दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये एक आपको LCD पैनल देखने को मिलता है जिसमें आपको सारे जो चीज़ है यानी सिग्नल कितना है, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, वो सब कुछ इस पर मेंशन रहेगा। RF एंड AF के यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा क्यूट सा है। पीछे अगर मैं बात करूँ तो इससे साइड में भी आप देख सकते हैं कितना रफ एंड टफ वाला डिज़ाइन जो है वो दिया गया है इस बारी। आपको चैनल ए चैनल बी के लिए सेपरेट XLR, ये तो बैलेंस है। इसके अलावा आपके पास मिक्स एक TS आउटपुट हो जाता है जिसके लिए आपको एक वायर भी दी गई है। 14 वोल्ट 400 mA का यहाँ पे आपका जो है वो DC इनपुट रहेगा। इसके अलावा ये जो एंटेना है ये डिटैचेबल है, यानी अलग नहीं होगा, यहाँ से ये फिक्स्ड रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको कुछ ऐसे प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ओवरऑल दोस्तों ये तो हो जाता है हमारा रिसीवर। चलिए अभी मैं आपको माइक्रोफोन जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये है माइक्रोफोन जिसपे NX ऑडियो की ब्रांडिंग है, अगेन मॉडल नंबर मेंशन करा गया है। और ऊपर का जो ये हेड है ना, ये यहाँ से अलग हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो हेड होता है कभी कभार गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, किसी वजह से चलता नहीं है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये पूरा आपका नीचे का मेन यूनिट चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका ये चेंज होगा और फिर से ही नया ये माइक्रोफोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो डिटैचेबल यानी जो अटैचमेंट्स हैं इसके अंदर वो अलग अलग करी गई हैं। जो पार्ट ख़राब हुआ है उसको अलग करा, नए वाले को डाला, फिर से वैसे वर्क होगा। बाकी यहाँ पे ये जो है वो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है कौन से चैनल पर वर्क कर रहा है। यहाँ पे सारा सिग्नल जो है मेंशन रहेगा।
और ये बटन है ऑन ऑफ करने का, यहाँ से अगर मैं दबा के रखूँगा ये ऑफ हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है यानी इससे नीचे, ये इससे नीचे वाला जो पोर्शन है ये एंटीना में है, जो कि आपको ऑपरेटिंग मैनुअल दिया गया है वहाँ पे मेंशन रहेगा। इसके अलावा इसमें डलते हैं दो डबल ए सेल्स, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो डबल ए सेल्स जो है वो इसके अंदर डलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी मेंशन करा गया है। ओवरऑल दोस्तों ये है माइक्रोफोन की डिटेल्स और हमारे रिसीवर की, चलिए और भी जानकारी हम जान लेते हैं। कैसे लेके अनबॉक्सिंग में बाकी डिटेल्स जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। दोस्तों ये जो माइक्रोफोन है ये 30 से लेके 20 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, यानी इतने से इतने बीच में आपको फ्रिक्वेंसी रेंज इसका देखने को मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बैटरी लाइफ, सबसे ज्यादा जो बड़ा क्वेश्चन होता है कि भैया माइक्रोफोन का बैटरी लाइफ कितना है, कंपनी ने मेंशन करा गया है 5 घंटे से ज़्यादा जो है वो इसमें आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा। अगेन अगर आप ब्रांडेड सेल यानी बैटरी जो है वो यूज़ करते हैं लाइक ड्यूरा सेल जो है वो, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी होता है या फिर वो क्वालिटी सेल्स होता है वहाँ पे आपको बैटरी लाइफ अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये पूरा का पूरा मेटल बॉडी में आपको दिया गया है, डिटैचेबल है, यानी अगर आपका हेड ऊपर का खराब हो जाता है तो आपने निकालना है, इसको चेंज कर देना है, सिंपल है, ईजी टू यूज है। डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, आप इसको सनी यानी अगर आप बाहर हैं धूप है तो वहाँ पे भी डिस्प्ले जो है वो विजिबल रहती है, इस हिसाब से इसको बनाया गया है। सेम इसमें भी यही चीज़ जो है वो आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल ये जो है उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे रिसीवर का पसंद आया, काफ़ी हैवी लुक टाइप का जो है वो उसमें दिया गया है। फ्लैट केस की आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी, इसके अंदर आपको सारे जो है वो फॉर्म जो है वो पूरी प्रॉपर करके दी है। अगेन अगर आप डालते हैं तो यही फॉर्म निकाल के कटिंग हो रखी है, सेम इसी साइज का प्रमाण ये चाहिए और यहाँ पे इसमें ही ये रखा जाएगा। बाकी यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, कैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आउटडोर टेस्टिंग का, चलिए टेस्टिंग आप देख लीजिए। तो सभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आउटडोर में और ये मेरे पास माइक्रोफोन रखा है, सेटअप कैसे करा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये रिसीवर रखा हुआ है, ठीक है ना, अभी मैं एक माइक्रोफोन को यूज़ कर रहा हूँ, पीछे से जो है वो हमने यहाँ पे बैलेंस्ड आउटपुट यानी मिक्स्ड आउटपुट को दे रखा है। अब यहाँ पे ये हमारे एक्टिव मॉनिटर में गया हुआ है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे मिड हाई लो का कोई भी नोब नहीं है, तो ना ही बूस्ट करा ना ही कम करा है किसी चीज़ को, सादा है, यहाँ से सिंपल गया और वही आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा दूर टेस्टिंग करेंगे, इससे पहले मैं ये माइक्रोफोन हटा दूंगा, ठीक है ना, ये यहाँ रखेंगे और कैमरे से भी हम यहाँ से हटा देंगे ताकि आपको जो है वो आउटपुट जो मिल पा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसी स्पीकर से आ रही, यहाँ पे कोई भी इस माइक्रोफोन से ना आए। तो ये माइक्रोफोन मैं यहाँ अलग रख देता हूँ, कोई भी मेरे पे कॉलर माइक नहीं लगा है, सिंपल ये चल रहा है और ये मॉनिटर चल रहा है, ठीक है ना। अभी मैं हम चलते हैं थोड़ा दूर जाते हैं इससे, देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक 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 चेक, हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक हेलो। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ मेरे ये लेंथ आप देख सकते हैं कितनी है, गैपिंग है मेरे माउथ से माइक्रोफोन तक का। ओवरऑल बैलेंस्ड है आउटपुट, कोई भी इसके अंदर मैंने किसी भी चीज़ को बूस्ट नहीं करा है, सिंपल सा है बिल्कुल। अभी ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं अराउंड 15-20 मीटर के तकरीबन है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा और दूर जाता हूँ और देखते हैं कि कहाँ तक वर्क करता है ये हमारा माइक्रोफोन और ओवरऑल ये आपको आउटपुट मिल पा रही है। हेलो चेक, तो मुझे नहीं लगता कि अभी जो मैं क्वालिटी सुन रहा हूँ ना यहाँ पे सामने आ रही है, तो इसमें मिक्सर की जरूरत पड़ेगी आपको, डायरेक्ट चलाइए। हाँ इक्वलाइजर या फिर एको आपको चाहिए तो एक्सटर्नल मिक्सर आप ऐड कर सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़रूरत है। हेलो चेक चेक हेलो चेक, ऑडियो आ रही है थम्सअप, ठीक है बढ़िया आ रही है ऑडियो, थम्सअप मिल चुका है उधर से। चलिए और दूर चलते हैं, कोशिश करते हैं। हेलो चेक चेक, चलिए और सीधे चलते जाते हैं। हेलो अराउंड 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर में आ चुका हूँ, और थोड़ा दूर चलते हैं और अभी देखते हैं आउटपुट। हेलो चेक, आ रही आउटपुट, चलो नहीं आ रही, हेलो आ रही है तो थोड़ा सा, नहीं आ रही है, यहाँ पे कट हो रहा है, मतलब अभी कट हो रहा है। हेलो अब ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ बता देना जब नहीं आए। हेलो चेक, अरे यहाँ नहीं आ रही है, मतलब 60 मीटर 60-70 मीटर हम इसे कह सकते हैं। तो ये है, यहाँ से अगर मैं 2-4 कदम पीछे जाऊँगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, कट हुआ। हेलो हुआ आरिफ, हेलो
नहीं आई, ठीक है यहाँ कट हो गई है, अब मैं यहीं से सिंपल दो कदम और आगे बढ़ूंगा तो आउटपुट सही आएगा। तो ये है यहाँ पे माइक्रोफोन का रेंज, अकॉर्डिंग मेरे जो एक्सपीरियंस है 50 मीटर इज गुड। अगर भीड़ भाड़ इलाके हैं काम करेगा 50 मीटर तक, उससे अबव जाएंगे तो इशू आ सकता है। बाकी क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज माइक्रोफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हेलो चेक, क्योंकि बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं अभी बैटरी को काफ़ी टाइम से यानी यहाँ पे तो आउटडोर में चेक कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो है हम इंडोर में भी इसको चेक कर रहे थे, तो बैटरी लाइफ भी इज़ गुड ऑल ओवर। यहाँ पे भी मैं पास आता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों इसका जो कि डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना टेस्टिंग पे कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट्स बताना। ओवरऑल दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस वाइज, सबसे पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं। अगेन काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर बैलेंस्ड आपको दी गई है, ऐसा नहीं है कि एक होता है ना माइक्रोफोन में फड़ 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 की आवाज़ आ रही है, वो नहीं है इसके अंदर। अगर आप ज़ोर से भी इसमें काफ़ी तरीके से बोलते हैं तो इसमें वो फिल्टर इसके ऊपर चढ़ा रखा है अंदर से, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है। विंड काफ़ी तेज़ थी वहाँ पर, अगर आप देखेंगे ना हवा बहुत तेज़ थी, जो कि मैंने अभी माइक्रोफोन से लीड निकाल के उसके ऊपर चलाया तो विंड का भी आपको नॉइज़ आ रहा होगा। इसके अलावा फिल्ट्रेशन इसके अंदर अच्छे दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि चिड़चिड़ाहट से आपको हल्की सी शुरुआत में नॉइज़ सुनाई दी होगी, वो मेरे मॉनिटर की थी ना कि इन माइक्रोफोन की थी। वो इसलिए थी कि ऊपर जो था एसटी लाइन था, माइक्रोफोन ने उसके फ्रिक्वेंसी यानी जो एसटी लाइन से जो कि मिसमैच हो जाता है यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, या फिर कह लीजिए कभी कभार कोई इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है वो काम नहीं करता है। अगेन ऊपर 22,000 वोल्ट की जो थी तारे जा रही थी वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था, कोई अलग सा नॉइज इसमें कैचअप नहीं हो रहा था, यानी रिसीवर जो है वो अलग सा नॉइज नहीं ले रहा था। ये मुझे एक सबसे प्लस पॉइंट लगा इसका कि कहीं पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको अलग नॉइज नहीं देखने को मिलेगा। विंड का नॉइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा कैंसिलेशन कर रहा था। उसके अलावा जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आपको बताया गया 30-20 किलोहर्ट्ज़, ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ये काफ़ी अच्छी हो जाती है, इसमें आप मेड भी अच्छा खासा जो है वो आएगा। तो मतलब आप कह लीजिए सिंगर जो है ना एक बार ले लेगा माइक्रोफोन को, अगेन तारीफ करने से रुकेगा नहीं। बाकी दोस्तों रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर भीड़ भाड़ वाला घना भीड़ भाड़ वाला मतलब एक के पीछे एक अगर भी खड़े हैं पूरे मैदान भरा हुआ है, सिर्फ अपना करना क्या है कि 1 मीटर यहाँ पे माइक्रोफोन के जो ऑपरेटिंग मैनुअल है ना उसमें मेंशन करा गया 1 मीटर आपको इसको हाइट पर रखना है। कुछ ही देंगे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो यहाँ पे जो सिग्नल और ये माइक्रोफोन का है ये बना रहेगा, टूटेगा नहीं। तो आप 50-60-70 भी लेके जा सकते हैं, जैसे कि ओपन ग्राउंड में था ना बीच में कहीं कट हो गया था, मैं यहाँ से ऐसे बोल रहा था यहाँ से ऐसे गया हूँ तभी जाके वो कट हुआ, क्योंकि सिग्नल कहीं ना कहीं वीक हुआ, कहीं ना कहीं टूटा उस वजह से। अगर मैं इसको थोड़ा सा और हाइट पर रखता था अगेन मैं 80-90 तक भी जा सकता था। बाकी दोस्तों मेटल है पूरा इसका बॉडी, जैसे कि आपको बता चुका हूँ। अवेलेबिलिटी के लिए ये नंबर आपको शो हो रहा होगा NX ऑडियो का, आपने नियरेस्ट डीलर से भी ले सकते हैं, प्राइसिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा हुआ है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ कुछ तरह अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।